नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक पैरालिसिस पेशेंट की मालिश कैसे की जाए। मगर मालिश के बारे में बताने से पहले, मसाज के बारे में बताने से पहले, बहुत ज़रूरी है कि हम समझें कि हमें किसी पैरालिसिस पेशेंट में मसाज की, मालिश की ज़रूरत क्यों पड़ती है। पैरालिसिस पेशेंट जिनके हाथ में स्टिफनेस हो, उस स्टिफनेस को रिलैक्स करने के लिए मसल्स के ऊपर हीट अप्लाई की जाती है। अब ये जो हीट है, इसको देने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप उस पर गर्म पानी की थैली लगा सकते हैं, आप उस पर और कुछ गर्म, जो फिजियोथेरेपी की मशीन्स आती है, डायथर्मल मशीन्स आती हैं डायथर्मिक की, उसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप अपने घर में मालिश का तेल का यूज़ करते हुए, हीट देते हुए मसल्स को रिलैक्स कर सकते हैं। तो इसमें सबसे आसान काम जो हम डेली बेसिस पे कर सकते हैं, बिना टाइम को देखे कर सकते हैं, वो है मालिश। मालिश करने से जो स्टिफनेस है, जब हम कहीं पर भी तेल लगाते हैं, उसको हम रगड़ते हैं, तो क्या होता है कि वहाँ पर रगड़ की वजह से गर्मी पैदा होती है। ये जो गर्मी पैदा हो रही है, ये मांसपेशियों को ढीला करने के काम आती है। तो पेशेंट जो पैरालिसिस का है, मांसपेशियों में अकड़न है, तो उसको हम मालिश करके ढीला करते हैं। मगर सही तरीके से मालिश करना भी ज़रूरी है। अगर हम गलत तरीके से करेंगे तो मालिश के फ़ायदे कम और नुकसान ज़्यादा देखने को मिल सकता है, क्योंकि पेशेंट की मांसपेशियाँ नहीं हिल रही, क्योंकि ब्रेन की से सिग्नल नहीं आ रहा, तो मसल सेंसिटिव हो जाते हैं। अगर आप किसी पैरालिसिस पेशेंट की बहुत दबा के, कस के, पहलवानों वाली मालिश करवाएंगे, तो पेशेंट की स्टिफनेस डे बाय डे बढ़ती चली जाएगी, हाथ पैर में अकड़न बढ़ती चली जाएगी और पेशेंट के हाथ पैर टेढ़े हो जाएंगे। तो पहला ध्यान क्या रखना है, रगड़ के, दबा के मालिश नहीं करनी। हमने वहाँ सिर्फ हीट देनी है, वहाँ का तापमान बढ़ाना है कि मांसपेशियाँ ढीली हों, इसलिए हल्के हाथ से आप मालिश करेंगे। और मालिश का ध्यान क्या रखना है कि जब भी हम मालिश करते हैं तो हमेशा अंदर की तरफ करते हैं, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे मालिश नहीं करेंगे, हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ करेंगे। इसके पीछे भी रीज़न है, हम ये क्यों कहते हैं। अगर आपने देखा हो कि अपना हाथ देखोगे तो इसमें आपको नसें नज़र आती है और इनका रंग हरा या नीला रंग का होता है, क्योंकि इसके अंदर खून है। खून का जो क्या कहते हैं कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उसमें ऑक्सीजन नहीं होती, इसलिए उसका वो रंग जो है हरा और नीला आपको नज़र आता है। ये जो नसें होती हैं, ये ब्लड लेके जा रही है आपकी तरफ, हर्ट की तरफ, कि हर्ट में जाएंगी, आपके लंग्स उसमें ऑक्सीजन डालेंगे और वो दोबारा से लाल होते हुए आपके चली जाएंगी। क्योंकि हमारी स्किन के नीचे ये जो वेसल्स होती हैं, ये ब्लड हर्ट की तरफ ले जा रही होती हैं, तो कोई भी मोशन जब हम रिपीटेड करते हैं तो इस तरह से करते हैं कि हम ब्लड की मूवमेंट को फैसिलिट करें, यानी जिस तरह से वो ब्लड नीचे की तरफ मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में अपने हाथ को लेके जाएं, तो हम इसको अंदर की तरफ लेके जाएंगे। ये दिक्कत हाथ में नहीं होती, पैर में हमारी इसी वेंस के अंदर बने हुए होते हैं वॉल्व्स, तो अगर हम उल्टी तरफ पॉलिश करेंगे तो उस वॉल्व पे प्रेशर बनता है, जिससे बहुत कई महीने तक करने पे, कई सालों पे करने पे कोई दिक्कत आ सकती है। तो इसको अवॉइड करने के लिए हमेशा पैर में भी नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ हम मालिश करेंगे, जिससे ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो हर्ट की तरफ जाए, ना कि उसके अगेंस्ट जाए। तो मालिश हमने हल्के हाथ से करनी है, आपने शरीर के अंदर की तरफ करनी है, चाहे हाथ हो चाहे वो पैर हो, नीचे से ऊपर की तरफ, जिससे ब्लड की सर्कुलेशन को हम फैसिलेट कर सकें। अब जब एक पेशेंट पैरालिसिस का है तो वो एक्सरसाइज करता है तो थक जाता है, मांसपेशियां थक जाती हैं। उन मांसपेशियों को रिचार्ज करने के लिए, उनकी थकावट को दूर करने के लिए भी जो मालिश है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है, क्योंकि पेशेंट को उससे रिलैक्स मिलता है, पेशेंट दोबारा से एक्सरसाइज करने लायक बन जाता है। तो मालिश का जो आपका प्रोग्राम होता है वो एक्सरसाइज के बाद करो, यानी सुबह पेशेंट पहले अपनी एक्सरसाइज कर ले, थक जाए, उसके बाद पेशेंट को रिलैक्स, उसकी मसल को रिलैक्स करने के लिए एक्सरसाइज करने के बाद हम मालिश करेंगे। तेल को थोड़ा सा गर्म करें तो अच्छा है, और अगर नहीं भी करते तो जो साइंस इंजीनियर का जो हम ऑयल लेते हैं, तो उसको इस तरह से बनाया गया है कि पेशेंट की मसल्स को थोड़ा सा रिलैक्सिंग हीटिंग इफेक्ट मिलता रहे, जिससे पेशेंट को फ़ायदा मिलता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमने कहाँ पर मालिश को करना है। अगर मेरा हाथ इस तरह से टाइट है तो कौन सी मेरी मसल्स साइड पर पड़ी है, मेरे अंदर की तरफ, तो हम मालिश यहाँ अंदर की तरफ करेंगे, जिससे मेरा हाथ यहाँ की मसल रिलैक्स होती रहे और मेरा हाथ सीधा होता चले। इसी तरह से घुटना, अगर आप मालिश कर रहे हैं पैर की, घुटने की जो देखते हैं कि पैर जो है ज़मीन पे नहीं लगता, टेढ़ा रहता है, तो घुटने के पीछे की मांसपेशियों पे मालिश करेंगे, जिससे वो वहाँ पर रिलैक्स हो और पेशेंट का पैर सीधा होना शुरू हो। तो मालिश अगर आपने उस पेशेंट की कर रहे हैं जिनके हाथ पैर
बहुत ज़्यादा टाइट रहते हैं तो अक्सर जोड़ों के पीछे की मालिश की जाती है, कोनी कोनी के पीछे यहाँ की मालिश, इसी तरह से घुटना और घुटने के पीछे की मालिश, जिससे वहाँ की जो मांसपेशियाँ हैं वो नरम पड़े, रिलैक्स करें और पेशेंट का जो पैर है वो सही तरीके से ज़मीन पे लगना शुरू हुए। तो मालिश जब हम किसी पैरालिसिस पेशेंट की करेंगे तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे, उसे दोबारा से समझ लेते हैं। एक तो बहुत हल्के हाथ से करनी है, दूसरा आपने शरीर के अंदर की तरफ करनी है, तीसरा आपने उस जगह करनी है जहाँ पे सबसे ज़्यादा मांसपेशी आपको टाइट महसूस होती है। जब आप छुएंगे टाइट जहाँ महसूस हो रही है वहाँ पे करेंगे, और ये आपने करना है एक्सरसाइज करने के बाद। अगर दिन में दो बार एक्सरसाइज करें तो दिन में दो बार मालिश की जा सकती है, शर्त यह है हल्के हाथों से, नरम हाथों से। जो झपट्टी नहीं करनी, मांसपेशियाँ ख़राब हो जाएंगी, वो कभी भी ठीक नहीं होती। तो मालिश करते समय इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम पेशेंट को बहुत अच्छा आराम दे सकते हैं। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि मालिश क्यों इंपॉर्टेंट होती है पैरालिसिस पेशेंट में, कैसे की जाती है। अब फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट होगी किस तरह से हम पैरालिसिस पेशेंट को ठीक कर सकते हैं, किस तरह से उसकी ब्रेन के अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी ऑन कर सकते हैं, तो नीचे दिए नंबर पर कॉल करके साइंस इंजीनियरिंग के डॉक्टर से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं, और आप अपॉइंटमेंट लेके हमारी जो पैरालिसिस की डॉक्टर की टीम है उनसे आकर भी मिल सकते हैं। अब इसी के साथ आप सबसे चलने की आगे चाहूँगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।